السلام عليكم. 5th class. Today our lecture is lecture 11 and exercise is 3.3. ठीक है. अच्छा बच्चे, इसमें एक और बात बतानी थी कि कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अब आ गई हैं, थोड़ी डिस्कस करनी है. तो जिसमें ये टू फ्रैक्शंस यूज हों, टू डिफरेंट फ्रैक्शंस यूज हों, तो वो होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम कहेंगे इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सही है. और जिसमें थ्री डिफरेंट फ्रैक्शन होंगे ये होगा उस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. अब देखें, अब हमने दोनों को सॉल्व करना है और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए. लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड. अब देखो इसमें दो फ्रैक्शन हैं. अब देखें दोनों की जो है एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम सेम है ना. तो जब दो एलसीएम सेम हो तो हम क्या करते हैं, उसे एज इट इज लिख देते हैं. 3 + 4 3 + 4 इज इक्वल टू 7/8. इस तरह ये इन दोनों के फ्रैक्शन सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए 8 आ गया. जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज भी ऐसे लिख देते हैं 7/8. ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2. इट मीन्स हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है. अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है. देखिए इसमें थ्री फ्रैक्शंस यूज, डिफरेंट फ्रैक्शंस यूज, और इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इसका क्या मतलब है कि होंगी दोनों साइड पे वही, ठीक है, थोड़ी सी चेंजेस हो लेकिन फ्रैक्शंस वही होंगे. अच्छा, अब ये है लेफ्ट हैंड साइड 3/8 + 7/8 + 5/8. 3/8 ऐसे लिखेंगे. पहले पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, 8 आ गया 7 + 5. 3/8 + 12/8 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 3 + 12 15/8. अब इसी तरह इसको करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 8 3 + 7 + 5/8 ऐसे 9/8. इधर आ गया 10 आएगा इधर 10/8 + 5/8. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 8 10 + 5 15/8. ये है 1 और ये है 2. 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है बच्चों, इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए. इट मीन्स क्वेश्चन ठीक है. इसमें से आपने करना कौन सा एच वर्क में, इधर से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ से आप करेंगे 8 and 10. ठीक है, 3 क्वेश्चन है जो आपने एच वर्क में करना है. ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़.